चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में गद्य खंड और पद्य खंड दोनों के राइटर का नाम, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिर ये चैप्टर क्या है। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के क्लास 12 में इससे एटलीस्ट दोनों से अगर मिला दिया जाए तो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस इस वीडियो से लगा सकते हैं कि मात्र 15 से 20 मिनट में आप 15-20 मार्क्स लाने वाले हो, ठीक है ना? तो क्या आप सभी लोग एक प्रॉमिस करने के लिए रेडी है? वो प्रॉमिस क्या है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखकर और एक कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब पर आप वीडियो देखे होंगे जो ट्रिक बताया जाता है। देखिए, ट्रिक तभी तक याद रहता है जब तक आपको राइटर या मान लीजिए पोएट का नाम याद हो, ठीक है ना? ट्रिक कोई काम नहीं देता है, एक बार तो आपको याद करना ही होगा, ये हमारा फैक्ट है। आया बात समझ में? आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। सबसे पहले गद्य खंड, बातचीत, ठीक है ना? सबसे पहला यदि बात किया जाए तो बातचीत के यहाँ पोएट कौन, सॉरी बातचीत के राइटर कौन है, चूंकि गद्य खंड है। राइटर अगर बात किया जाए तो बातचीत का बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना? और ये एक आपका निबंध है, ये भी सीखना है। ये चैप्टर क्या है जी? निबंध है। यहां से 2-3 क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा चैप्टर लिखा है? बातचीत। बातचीत चैप्टर किसने लिखा है, पार्ट किसने लिखा है, तो आप बता सकते हैं बालकृष्ण भट्ट ने। बातचीत कौन सी, मतलब विद्या पूछ देगा, कौन सी विद्या की रचना है, तो आपको बताना है निबंध या ललित निबंध, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ठीक है ना? अच्छा जी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ एक शानदार ये कहानी है, ठीक है ना? उसने कहा था, ठीक है? और ये कहानी, ये भी बताया जा रहा है, ये कहानी है और ये कहानी 1915 में उन्होंने लिखा है, ठीक है? हालांकि दो और कहानियां 1911 में उन्होंने लिखा है, आपको बहुत बार हमने बताया है, आपको मालूम भी होगा। कमेंट करके बताएगा बताइएगा कि वो और दो कहानी कौन कौन सा है, ठीक है, जो 1911 में आपको हमने बताया था, ठीक है? थर्ड अगर देखा जाए तो संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है जी? मतलब दिया है कह सकते हैं, चूंकि एक भाषण है ना, तो ये जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने ये भाषण दिया है। ये एक ऐतिहासिक भाषण है जो इन्होंने पटना के गांधी मैदान में दिया था, याद रखना है, पटना के गांधी मैदान में इन्होंने ये भाषण दिया था। ये एक भाषण है तो ऐसे पूछ सकता है संपूर्ण क्रांति किसने, मतलब किसने लिखा है भी पूछ सकता है, तो जयप्रकाश नारायण ने। ये क्या है, तो ये एक आपका भाषण है या ऐतिहासिक भाषण है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आया बात समझ में ना, आया बात समझ में ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर हमारा क्या है, तो सबसे पहले समझिए अर्धनारीश्वर आपका एक निबंध है, ठीक है ना? और ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ एक शानदार निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर जो एक बहुत बड़े लेवल के हम लोग कह सकते हैं कि लेखक है, जिन्हें सब कोई जानते होंगे, आराम से जानते होंगे, ठीक है ना? तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब समझते ना, आधा नर आधा नारी, ठीक है ना? इसमें स्पेशल शिव और पार्वती जी का बात किया गया है, ठीक है ना? तो ये क्या है जी? ये एक निबंध है और आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर ने इसको लिखा है। रोज सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखा हुआ ये एक शानदार कहानी है, ठीक है ना? वात्स्यायन अगे जी, अगे थोड़ा लंबा नाम है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ये कहानी है। गैग्रीन का उल्लेख इसमें है, गैग्रीन क्या है, तो ये एक बीमारी है, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट? ये एक बीमारी है, आपको याद रखना है रोज अगे, रोज अगे, ठीक है ना? याद रखना है आप सभी को। अगला यदि बात किया जाए तो एक लेख और एक पत्र, ठीक है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है जी? तो भगत सिंह, वीर भगत सिंह, ठीक है? और ये एक निबंध और पत्र, जो भी आपसे दे दे, जो भी आपके ऑप्शन में दे दे, अगर निबंध दे तो निबंध हो जाएगा, पत्र दे तो पत्र हो जाएगा, बट याद रखना है एक लेख एक पत्र, ठीक है? दो चैप्टर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण, और एक लेख और एक पत्र तो भगत सिंह, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट? आपको याद रखना होगा एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह, निबंध और पत्र, ठीक है ना? याद रखिएगा ध्यान से। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा हुआ एक शानदार निबंध है,
आपको याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा हुआ शानदार निबंध है, मतलब बोलते क्षण से ये लिया गया है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, बट ये जरूर पूछेगा कि ये क्या है, तो ये आपका एक निबंध है, ठीक है ना। याद रखिएगा ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुरा, किसी भी ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, आराम से आपसे 10 से 15 क्वेश्चन मिलेगा कि पाठ के लेखक तथा ये चैप्टर हमारा क्या है, ठीक है। आइए जी, सिपाही की मां मोहन राकेश ये एकांकी है, ठीक है, अंडे के छिलके से लिया गया है, ठीक है ना, ये एकांकी है, एकांकी है, किसके द्वारा लिखा हुआ, सिपाही की मां मोहन राकेश, मोहन राकेश, सिपाही की मां मोहन राकेश, ठीक है ना, सिपाही की मां मोहन राकेश। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज किसके द्वारा, नामवर सिंह, ये आपका क्या है, एक निबंध है, एक निबंध है, निबंध है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, ठीक है ना, ये आपका एक निबंध है, तो सभी लोग को याद रखना ही होगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जूठन किसने लिखा है मेरे प्यारे साथियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ये आपका क्या है, तो ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, ये आपका एक आत्मकथा है, याद रखिएगा जूठन क्या है, हमेशा पूछा गया है, एक आत्मकथा है, एक आत्मकथा है, ठीक है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मलयज जी द्वारा लिखा हुआ डायरी लेखन है, ठीक है, डायरी लेखन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, मलयज द्वारा लिखा हुआ शानदार एक डायरी है, या डायरी लेखन कह सकते हैं। तिरिक्ष उदय प्रकाश, ये कहानी, आधुनिक कहानी, ठीक है ना, आधुनिक कहानी, कहानी भी याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, कहानी भी याद रखिएगा तो तिरिक्ष याद हो जाएगा, तिरिक्ष हमारा क्या है, कहानी है, ठीक है ना, उदय प्रकाश द्वारा लिखा हुआ, याद रखिएगा। शिक्षा, शिक्षा किसने लिखा है जी, याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति संभाषण है ये, ठीक है ना, जय कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा शिक्षा जय कृष्णमूर्ति, एकदम बढ़िया से आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा, ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ये पूरा का पूरा, आप देख लिए चैप्टर वन से लेकर पूरा गद्य खंड, अब हम लोग आते हैं बाबू लोग दूसरा, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काव्यखंड, काव्यखंड कविता। कड़बक याद रखिएगा, कड़बक यहां थोड़ा समझिएगा, इसमें तीन चार टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ, ये भक्ति काल पूछ जाए किस काल के, तो भक्ति काल, ये कैसे कवि हैं, प्रेम मार्गी हैं, प्रेम मार्गी पद्मावत, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। यहां से तीन चार क्वेश्चन, हम तो 10-12 नंबर ही बोलेंगे, बट ये 20 प्लस नंबर आने वाला ये वीडियो है। आप नहीं बिलीव है तो आप उठाइए कोई भी क्वेश्चन बैंक और देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है इस वीडियो का। कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी, भक्ति का, कैसे कवि, प्रेम मार्गी, पद्मावत याद रखिएगा। पद किसके द्वारा, सूरदास, कौन से काल के, भक्ति काल के, ये भी भक्ति काल के, ये भी भक्ति काल के, ठीक है ना। और ये कृष्ण जो दिया हुआ है ना, ये भी आपसे पूछ देगा, ये भी आपसे पूछ देगा। और भक्ति सखा, अच्छा पूछ देगा सूर सागर किसके द्वारा लिखा हुआ है, सूरदास, किसके द्वारा, सूर से सूरदास और सूर से सूर सागर, ये दोनों आपको याद रखना ही होगा, आपको याद रखना होगा। पूछ देगा मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है, प्रेम मार्गी, पूछ देगा सूरदास कैसे, किससे मतलब अफेक्टेड, कैसे कवि है, तो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण जी से ये काफी अफेक्टेड थे, याद रखिएगा। अगला देखिएगा पद, पद देखिए जी तुलसीदास किसके द्वारा लिखा हुआ है, कौन है कवि पद का, तुलसीदास, ये भी भक्ति काल, याद रखिएगा। राम भक्ति सखा, मतलब ये पूछ देगा तो राम भक्ति सखा, वो कृष्ण सूरदास कृष्ण, ठीक है ना, ये राम भक्ति सखा, विनय पत्रिका, इनके पत्रिका पूछेगा, विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा हुआ, तुलसीदास, सुर सागर किसके द्वारा लिखा हुआ, सूरदास, देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा। हम तो कहेंगे नोट करिए, इसको चिपका दीजिए अपने दीवार पर चाहे जहां भी पढ़ते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। छप्पे नभादास, छप्पे किसके द्वारा लिखा हुआ है जी, नभादास, ये भी भक्ति काल के, भक्ति काल के कवि हैं, राम भक्ति सखा, ठीक है ना। अब भक्तमाल याद रखिएगा, भक्तमाल नभादास, ठीक है, किस मतलब ये किससे अफेक्टेड थे, किसका भक्ति करते थे, राम भक्ति सखा। अगर आपसे पूछ देगा
गड़बक किसके द्वारा लिखा हुआ है? मलिक मुहम्मद जैसी। ये कैसे कवि है? प्रेम मार्गी कवि है, सूरदास कृष्ण से। याद रखो, सब याद कर लो, यहीं पर याद कर लो, याद कर लो, एक बार तो रटना पड़ेगा। कवि ठीक है ना, कवि भूषण ठीक है ना, कवि भूषण रीतिकाल, यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये सब भक्ति काल लेकिन यहाँ रीतिकाल, रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध ठीक है ना यार पूजा, रीतिबद्ध कवि किसे कहा जाता है? तो भूषण जी को, ठीक है ना। तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद, ये कौन है जी? कौन इसके कवि है? जयशंकर प्रसाद, आधुनिक काल के छायावाद, ये भी पूछ देगा किस वाद के? तो छायावाद। कामायनी कैसे कवि? तो कामायनी, देख रहे मतलब चार पांच क्वेश्चन इसमें है, चार पांच क्वेश्चन है आपसे पूछ देगा। किताब का नाम किसके मतलब ये भक्ति करते थे, ये भी पूछ देगा। किस काल के कवि हैं, ये भी पूछ देगा। तो आपको सभी याद रखना है, सभी याद रखना है, सभी एकदम रट जाओ, याद कर लो, याद कर लो बाबू लोग, याद कर लो। मौका है पुत्र वियोग, ये तो भाई हमेशा पूछा जाता है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, आधुनिक काल राष्ट्रीय भावधारा। मुकुल पूछ देगा, मुकुल किसके द्वारा लिखा हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। ये किस काल के कवित्री है? तो आधुनिक काल, ठीक है ना, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ कौन सा कविता है? पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, ठीक है। उषा शमशेर बहादुर सिंह, ये भी आधुनिक काल, ये कैसे कवि माने जाते हैं? प्रयोगवादी। कैसे कवि माने जाते हैं? प्रयोगवादी, 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 एकदम याद कर लो, रट लो, रट लो, मौका है, मौका है, बटोर लो, अभी बटोर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जनजन का चेहरा गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी आधुनिक काल और ये भी कैसा? प्रयोगवादी। कैसे कवि? प्रयोगवादी, ठीक है ना। पूछ दे गजानन माधव मुक्तिबोध कैसे कवि है? प्रयोगवादी। किस काल के मूवी, किस काल के कवि हैं? तो आपको याद रखना है, ये भी आधुनिक काल के हैं, ठीक है ना, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अधिनायक रघुवीर सहाय, ये भी आधुनिक काल, नई कविता, आत्महत्या के विरोध, याद रखिएगा, आत्महत्या के विरोध, रघुवीर सहाय। कौन से काल? आधुनिक काल। अधिनायक के कवि रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल, ये भी आधुनिक काल। वह आदमी कोट पहनकर, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आपसे पूछ देगा, वह आदमी कोट पहनकर, तो याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। ये किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल, ठीक है ना। किस काल के कवि हैं जी? तो आधुनिक काल, आधुनिक काल। हार जीत, हार जीत, देखिएगा हार जीत, ठीक है ना, हार जीत अशोक वाजपेयी, ये भी आधुनिक काल। कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही किसके द्वारा लिखा हुआ है? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, याद रख लो ना, याद कर लो, याद कर लो, याद रख कर लीजिए, याद कर लीजिए बाबू लोग, ये तो अंतिम चैप्टर होगा। हाँ, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल, संशय आत्मा, संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। गांव का घर किसके द्वारा लिखा हुआ जी? तो ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। यहां से आपने देखा 13 चैप्टर, यहां से काव्यखंड से, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपका पूरा का पूरा कवि कैसे कवि हैं, किस काल के हैं। तो ये सिंपल वीडियो नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हमने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, अब एक ही क्वेश्चन को बार बार करके आपको टाइम में फंसाना नहीं है, ठीक है ना। तो समझने का कोशिश करिए प्यारे साथियों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यहां से आप दोनों समझ गए, मतलब कम से कम आपका 20 प्लस मार्क्स यहां से आने वाला है, 20 प्लस, ये गारंटी के साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इंग्लिश में भी ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।